गुड मॉर्निंग बच्चों, आज क्लास सेकंड में हम पार्ट वन का वार्तालाप पार्ट पर चर्चा करेंगे। वार्तालाप क्या होता है? वार्तालाप जैसे जो हम आपस में बातचीत करते हैं, या हम एक तरह से कहेंगे तो वो भाषा का ही रूप होता है। जैसे हम भाषाओं में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की अपनी बात को समझाते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वैसे ही ये वार्तालाप होता है। वार्तालाप यानी बातचीत करना। मैंने आपको कुछ बताया, आपने मुझे उसका कुछ आंसर दिया समझकर। बातचीत करने को ही हम वार्तालाप कहते हैं। वार्तालाप यानी कि ये भाषा का, हमारी भाषा को हमें समझाने का काम करती है। जैसे मान लीजिए, मैं कल्पना कीजिए कि आपका विद्यालय का पहला दिन है, आपका विद्यालय खुला और उसमें आपका पहला दिन है जिसमें आप विद्यालय गए, वहां पर आप खेले कूदे, पढ़ाई करी और वहां का आपने वातावरण देखा। उस वातावरण को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? जब आप घर आए तो आपने उस विद्यालय का वर्णन अपने माता पिता से किया, यानी उससे माता पिता को आपने अपनी भाषा के द्वारा उनको बताया कि वहाँ विद्यालय मुझे ऐसा लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा, मुझे वहाँ खेलने के लिए झूले भी मिले और मैंने वहाँ पर खूब आनंद किया, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगा, मैडम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। ये सारी बातें अपने अपने माता पिता को की, माता पिता ने आपकी बातें सुनी और समझी, तो ये हो गई हमारी वार्तालाप कि मैंने अपने माता पिता को बताया, फिर माता पिता ने आपकी बात सुनी और उन्होंने फिर कहा कि अच्छा, तुम्हें विद्यालय में जाना पढ़ना अच्छा लगा ना, यानी कि तुम्हें आज विद्यालय में अच्छा लगा, तो ये हो गई हमारी वार्तालाप का अर्थ। समझ में आ गया बच्चों कि जब हम किसी से बात करते हैं और उस वह हमारी बात को समझता है, फिर हमारी बात को समझ के वो हमें जवाब देता है, वो हमारी होती है वार्तालाप। वार्तालाप दो तरह से ही होती है, एक तो मौखिक रूप से और एक लिखित रूप से। कि जैसे हमने आपको, आपने सारा वर्णन अपने माता पिता को विद्यालय का दिया, तो वो तो हो गया मौखिक रूप। और इसमें ही हमने अगर आपने उनको लिखकर बताया कि मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है, वह इतने आकार में बना हुआ है, वहां पर इतने सुंदर सुंदर फूल हैं, आपने ये सारा वर्णन अपने विद्यालय का एक पेज पर लिखकर अपने माता पिता को दिया और उन्होंने उस वर्णन को पढ़ा, वो पढ़ना, आपके द्वारा पत्र का देना, उस पत्र को उस पढ़ना माता पिता को, ये जो है वार्तालाप का लिखित रूप है। तो आज का हमारा विषय है वार्तालाप, जिसमें हमने चर्चा की अपने विद्यालय के बारे में। आज हम आपको अपने विद्यालय पर कुछ वाक्य लिखवाएंगे, जिनको आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करेंगे। तो पहला है हमारा नंबर वन, मेरे विद्यालय का नाम जीसी हाई स्कूल है। ठीक है, नंबर दो, मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। नंबर थ्री,
मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। नंबर फोर, मेरे विद्यालय में एक हॉल भी है। मेरे विद्यालय में तीन मंजिल तक कक्षाएं हैं। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी। नंबर सेवन, मेरे विद्यालय की प्रधानाचार्य बच्चों को बहुत प्यार करती हैं। मेरे विद्यालय में सुंदर फूल लगे हैं। मेरे विद्यालय की सभी मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय में प्रतियोगिताएं
प्रतियोगिताएं भी होती हैं। तो बच्चों ये है मेरे विद्यालय पर कुछ वाक्य जिसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और याद भी करना है। तो ये हमारा पार्ट हुआ वार्तालाप। वार्तालाप का मतलब हुआ कि लिखकर और बोलकर बातचीत करने को हम वार्तालाप कहते हैं, यानी कि अपनी बातों को एक दूसरे को बोलकर या लिखकर समझाना वार्तालाप होता है या भाषा होती है। हम अगर एक परिभाषा के रूप में अगर हम कहेंगे तो कहेंगे कि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना या आदान प्रदान करना वार्तालाप कहलाता है। तो बच्चों आप आज का आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है लर्न एंड राइट। लर्न एंड राइट दिस वर्क। ओके, तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।